हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो गिवन ए बाइनरी सर्च ट्री एंड ए टारगेट सम, चेक वेदर देयर इज अ पेयर ऑफ नोड इन द बीएसटी विथ वैल्यू समिंग अप टू द टारगेट सम। राइट, तो हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और हमको एक टारगेट सम गिवन है। हमको ये पेयर फाइंड आउट करना है अपने बाइनरी सर्च ट्री में कि क्या कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है जिसका हम सम फाइंड आउट करें, जिसको ऐड करने से बेसिकली सम टारगेट सम के इक्वल आता है कि नहीं। फिर से इसको हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, ठीक है, और हमको एक सम नाम का वेरिएबल गिवन है, टारगेट सम। हमको बाइनरी सर्च ट्री में ऐसा दो पेयर फाइंड आउट करके बताना है कि जिसको हम ऐड करेंगे ना, तो उसका वैल्यू टारगेट सम के इक्वल आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उस केस में हमको रिटर्न करना है 1, और अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में हम अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमको रिटर्न करना है 0। तो अब इसको कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं किस किस कंपनी ने पूछा है। राइट, तो आइए अब इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले करने जा रहे हैं अप्रोच। तो मेरा क्या समझ है कि हमको बाइनरी सर्च ट्री का एक प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट कर लेंगे तो वो ट्रैवर्सल हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, ठीक। और सॉर्टेड ऑर्डर में अगर आ गया ना तो हमको पेयर फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करके करना पड़ेगा, जो कि हमारा स्टेप 1 है। तो सबसे पहले हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक फंक्शन कॉल किए इन ऑर्डर, ठीक है। आप इसको इन ऑर्डर को चाहे तो आप रिकर्शन से कर सकते हो या तो आप इटरेटिव वे भी कर सकते हो। इस चैनल पे हम इसका रिकर्सिव वे बताए हैं और आगे टाइम जो आएगा उसमें हम इसका इटरेटिव वे में हम इसका कैसे इन ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, प्री ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर में हम रूट पास किए और ये वेक्टर का और सिंपली ये वेक्टर पास कर दिए, ठीक। अब हम कुछ नहीं इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा, ये फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड इन ऑर्डर, इसमें हम क्या पास किए, रूट। किसका रूट, स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, और एक वेक्टर पास किया ना, तो वेक्टर किस टाइप का है, वेक्टर इंटीजर टाइप का है, एड्रेस ऑफ ए। अब हम इन ऑर्डर को लिखते हैं कि यदि अगर रूट नल है ना, उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करके इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, ठीक है, ए डॉट पुशबैक क्या कर देंगे, इसमें रूट का डेटा हम बेसिकली हम अपने जितना जो भी हमारा बाइनरी सर्च ट्री का जो डेटा है ना, उसको हम बेसिकली एक वेक्टर में स्टोर करा के उसके बाद हम उस वेक्टर से पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद फिर से इन ऑर्डर फंक्शन कॉल किए, इन ऑर्डर में हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हमारा छूट गया, यहाँ पे हमको ए भी पास करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे रूट का राइट और ए पास कर देंगे, हो गया हमारा इन ऑर्डर का काम कंप्लीट। अब इस फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या हुआ, हमारा जो वेक्टर ए था उसमें इस बाइनरी सर्च ट्री में जितना नोड का जो डेटा था वो कॉपी हो गया, ठीक। और किस ऑर्डर में कॉपी हुआ है, सॉर्टेड ऑर्डर में कॉपी हुआ है। तो सॉर्टेड ऑर्डर में जब कॉपी हो गया, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि टारगेट सम का जो वैल्यू है, क्या एरे में या फिर वेक्टर में कोई ऐसा दो एलिमेंट है जिसका सम फाइंड आउट करने से टारगेट सम के इक्वल आता है कि नहीं। तो इसके लिए हम कुछ नए एक वेरिएबल बनाए, इंट आई असाइन 0। हम टू पॉइंटर अप्रोच से ये काम करेंगे और जे में असाइन कर देंगे ए डॉट साइज, देन ए डॉट साइज -1। उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप, जब तक आई लेस देन जे है ना तब तक हम ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे, अगर एक कंडीशन लगाए कि यदि ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे
बराबर हो गया टारगेट के, तो हम सिंपली रिटर्न क्या कर देंगे, हाँ भाई हमको पेयर मिल गया। और अगर नहीं मिला, मान लीजिए नहीं मिला, तो क्या हो सकता है, तो अगर a ऑफ i प्लस a ऑफ j का सम फाइंड आउट किया, अगर वो ग्रेटर हो गया टारगेट से, इसका मतलब हमको j में डिक्रीमेंट करना होगा, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम क्या करेंगे, i में इंक्रीमेंट कर देंगे। और ये लूप कंप्लीट होने के बाद, मान लीजिए ये हमारा जो if ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, हमारे जो वेक्टर में है ना ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो जिसका एड एडिशन करने के बाद वो टारगेट के इक्वल आया, तो उस केस में हमको रिटर्न कराना होगा जीरो, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर। आइए, इस हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। आइए इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि क्या कोड हमारा फट भी रहा है, कि हम जो लिखे हैं वो सही भी है कि नहीं, राइट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ट्री का डेटा था 213, जब हम इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका निकाले तो 123 हो गया, और टारगेट का वैल्यू है 5, तो हमको दिख रहा है 2 और प्लस 3 करेंगे तो 5 के इक्वल आ गया, इसलिए हमारा आउटपुट आ रहा है 1, कि हाँ वो पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। सबमिट करके देखना, ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो हमारा ये भी प्रॉब्लम सक्सेसफुल्ली सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो हम क्या किए, हम सिंपली, हमको ये पहले भी पता है, एक प्रॉपर्टी हमको बीएसटी का अगर पता होगा ना, तो ये मीडियम प्रॉब्लम था, बहुत सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर लिए, कि अगर हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है ना, तो अगर हम उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगा, ठीक है। और एक बार हम उसको अपने वैक्टर में स्टोर कर लिए तो सिंपली हम पेयर फाइंड आउट कर लिए। क्या किए, हम दो पॉइंटर ले लिए, एक पॉइंटर को पॉइंट करा दिए पहले एलिमेंट ऑफ वेक्टर से, एक पॉइंटर को पॉइंट करवा दिए लास्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर से, दोनों का सम किए, क्या वो टारगेट के इक्वल है, नहीं है, तो तब हम क्या चेक करेंगे, अगर टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न कर दिए, हाँ भाई मिल गया, अगर बेस्ट केस की बात करें तो। और अगर वर्स्ट केस की बात करें, दोनों को हम सम किए, क्या हुआ, या तो टारगेट से छोटा हो गया या तो टारगेट के बड़ा हो गया, यही हो सकता है, या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, इस तीन कंडीशन के बाद और बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक। तो अगर दोनों का सम टारगेट से बड़ा हो गया तो इसका क्या मतलब है, हमको जे में डिक्रीमेंट करना होगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में जो लास्ट एलिमेंट होगा ना उस एरे का, सबसे ग्रेटर एलिमेंट जो होगा वो लास्ट में होगा, तो हमको उस एलिमेंट को एक्सक्लूड करा देना है, इसीलिए हम जे में डिक्रीमेंट करके उसके पिछले वाले डेटा पे आ जाएंगे, फिर से ये कंडीशन बार बार, ये व्हाइल लूप में हम इसीलिए लिखे हैं, ये होते रहेगा। और मान लीजिए हमारा पहला एलिमेंट जो था वेक्टर का और लास्ट वाला एलिमेंट जो था वेक्टर का, उस दोनों को सम किए तो क्या हुआ, उस टारगेट से छोटा हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो पहला एलिमेंट था वो सही एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम आई में इंक्रीमेंट करा है कि अब इसको छोड़ दो, उसके अगले वाले एलिमेंट से इसके लास्ट वाले एलिमेंट का टारगेट सम जो था उसको एडिशन करके देखो कि क्या ये टारगेट के इक्वल है, अगर इक्वल है तो रिटर्न करा दो। और मान लीजिए कंडीशन आया कि ये काम हम करते रहे और आई जो था वो बराबर हो गया जे के, तो उस केस में भाई हम क्या कर देंगे, हम सिंपली रिटर्न करा देंगे जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री था उसमें कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, अगर आपको समझने में दिक्कत जाएगी तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, जो भी कोड लिखे हैं आप उसको ड्राई रन कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री बनाइए, कुछ कुछ उसमें डेटा फीड कीजिए खुद से और ड्राई रन कीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, अगर आपको समझने में दिक्कत जाती है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, हम आप कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।